सो आज का टॉपिक अभी हमारा है हाउ टू क्रिएट ए फ्लाइंग एनिमेशन. सो उसके लिए मैंने एक थीम लिया. यहाँ पर पैरट है एंड वो ग्लाइड अक्रॉस द स्क्रीन करते करते फ्लैपी विंग्स कैसे कर रहा है एंड वो रियल कैसे लग रहा है. तो लेट्स सी. तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दिस. यस, हिज फ्लैपी विंग्स. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न. सो यू मस्ट बी एक्साइटेड टू सी दिस आफ्टर दिस. यस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. सो अब आज हमारा प्रोजेक्ट ये है. एक पैरट है, एक बैकग्राउंड लेंगे. चूज अ बैकड्रॉप एंड विल चूज अनदर फ्लाइंग स्प्राइट सो डैट मेरा आज कैरेक्टर पैरट के ऊपर है. एंड विल टेक अ प्लास्टिक रोड का भी क्रो भी ले सकते हैं. एनी एनिमल यू कैन चूज जो फ्लैप करता है. तो मैंने पैरट चूज किया है. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. तो लेट गो बैक टू स्क्रीन. तो इस तरीके से हमने कोडिंग करना है. तो कौन कौन से कोड है विल सी. तो अभी हम ये सब देखेंगे. तो सबसे पहले किड्स क्या करना है, आप लोगों को फाइल में जाना है. टॉप मोस्ट में फाइल में क्लिक किया, न्यू बनाना है. आपको सबसे पहले एक न्यू पेज लेना है. एंड देन अभी सबसे पहले हम टाइटल देंगे क्योंकि आज हमारा टॉपिक है फ्लाइंग एनिमेशन. मतलब हम कैसे फ्लाई कराएंगे. तो उसके लिए हम पहले FLYING फ्लाइंग एनिमेशन ANIMATION. सो दिस इज फॉर ऑलरेडी गिवन टाइटल्स. जो हमारे टॉप मोस्ट रहता है, जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसको नाम दे सकते हैं. जैसे आप एक स्टोरी बना रहे हो थर्स्टी क्रो की, तो आप वो भी टाइटल दे सकते हो. सो एज पर योर चॉइस जो भी आप स्टोरी ले रहे हैं. सो आई वॉन्ट जूनियर्स टू नोट डाउन द कोड्स विच आई एम गोइंग टू यूज इन दिस स्टोरी. तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, हमने टाइटल दे दिया है. अब मैं जाऊंगी ऑन माई राइट साइड. सो अब क्या करूंगी, राइट साइड से आई विल चूज अ बैकड्रॉप. तो मैं बैकड्रॉप एक सिंपल सा, अभी हम लोग फुल देखेंगे कौन कौन से बैकड्रॉप्स हैं इधर. सो आई प्रिफर दिस वन. ओके, तो मैंने बैकड्रॉप चूज कर लिया है. अभी हम क्या करेंगे, राइट साइड से हम लोग चूज अ स्प्राइट करने वाले हैं. एंड देन आई विल चूज एनिमल क्योंकि मेरा कैरेक्टर एक पैरट है. तो मैं चाहती हूँ कि आई टेक अ बर्ड इन दिस एनिमल फोल्डर से. मैं पैरट ले रही हूँ एंड ये इसको मैं, ये स्प्राइट का कोई यूज नहीं है. तो आई जस्ट सिंपली क्लिक एंड डिलीट. तो अभी हम, और मैंने क्या बताया था कि आज हमें उसको एक, हमने एक्स एंड वाई पोजिशन मैंने आपको बताया था कैसे यूज करना है. सो अगर नहीं है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं. तो अब मैंने कैरेक्टर प्लेस कर दिया है. अभी हम लोग क्या चाहते हैं कि ये सेटअप देना है अभी इसको. तो सबसे पहले अभी हम जाएंगे लेफ्ट साइड में. लेफ्ट साइड में मैं जाऊंगी इवेंट में. इवेंट से मैं ड्रैग करूंगी कोड एंड आई विल ड्रॉप ऑन माय स्क्रिप्ट एरिया. तो मैं चाहती हूँ थोड़ा क्लोज हो जाए सो दैट आप थोड़ा डिफरेंट भी करते हैं. तो शायद देखिए किस तरीके से आपको दिख रहा है, यू विल सी प्रॉपरली. तो वेन ग्रीन फ्लैग क्लिक. ओके, मैंने ले लिया है. अब मैंने उसको एक्स एंड वाई पोजिशन मुझे लेना है. तो आई विल गो टू एक्स एंड वाई पोजिशन. तो मोशन में जाऊंगी एंड आई वॉन्ट कि यहाँ से मेरा, तो गो टू एक्स एंड वाई से इट विल स्टार्ट एंड ग्लाइड. उठते उठते कहाँ आना चाहिए, ई मस्ट एक्स एंड वाई. ओके ठीक है. ओके, तो अभी हमें ग्लाइड करते करते इसको दूसरे पोजिशन पे लाना है. तो आई विल चूज लाइक दिस एंड आई वॉन्ट इट शुड बी कम हियर. मतलब कैसे एक पैरट नीचे आती है फ्लाई करके, तो हम ऐसे ले लेते हैं एक. आपको और भी इजी अंडरस्टैंड होगा. तो यहाँ पर इसका पोजीशन चेंज हो गया. तो आई जस्ट डिलीट क्योंकि मुझे पहले ये अपडेटेड, क्योंकि मैं यहाँ चेंज करूँ, हम मैं यहाँ पर भी जाके क्लिक कर सकती हूँ बट आई वॉन्ट कि यहाँ पर ऑलरेडी मिल जाता है. तो वाई वी नीड. सो जस्ट सिंपली मैं ये ग्लाइड वन सेकेंड ये वाला लेती हूँ. तो आई वॉन्ट हियर. ओके, तो दिस इज वन पार्ट वी हैव ऑलरेडी डन. ओके, सो आई जस्ट प्लेस माय कैरेक्टर इन द सेम प्लेस. अब मैं आपको इसमें डिफरेंट दिखा रही हूँ कि वो कैसे फ्लाई. अभी देखिए मैं जब ये क्लिक करूंगी तो सिंपली फ्लाई हो रहा है, उसके विंग्स फ्लैप नहीं हो रहे. आई जस्ट वॉन्ट कि फ्लैप दी विंग्स, एक्चुअली वो दिखे हमें कैरेक्टर में. तो हमने ये सिंपल वाला देखा हुआ है, आज हम इसमें यही चीज नया सीखने वाले हैं. तो आई विल डू कि अभी हम कौन सा कोड लेंगे उसके लिए. तो सिंपली विल गो टू द इवेंट अगेन. आई टेक वेन ग्रीन फ्लैग क्लिक. ओके जूनियर्स, नाउ आई जस्ट प्लेस दिस एंड आई विल प्लेस दिस.
and I want repetitions over here, so we'll simply go over here and repeat. मतलब कितनी देर तक fly करे वो हमने नहीं रखी, forever हमने loop वाला use किया है, अभी हम कुछ different. और मैं क्या चाहती हूँ यहाँ पर उसके जो costume है वो change हो, तो switch costume to A and मैं चाहती हूँ कि कितनी देर के बाद change हो जाना चाहिए, तो obviously हमें कहाँ जाना है, टाइमिंग पे जाना है, तो विल गो इन कंट्रोल, विल गिव अ वेट कि आफ्टर वन सेकेंड. तो मैं चाहती हूँ कम टाइमिंग, क्योंकि ये जो फ्लैप होती है विंग्स वो फटाफट हो जाती है बर्ड्स की, तो फिर तभी वो फ्लाई करती है. तो पैरट का मैं चाहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि ये हो, और थोड़ा सा मैं साइज चेंज करती हूँ बिकॉज आई जस्ट नीड द स्पेस, सो दैट आपको मतलब मेरे पूरे कोडिंग, तो मैंने ड्रैग करके ड्रॉप किया लेफ्ट साइड से. अब मैं चाहती हूँ स्विच कॉस्ट्यूम टू बी हो जाए, तो आई जस्ट कॉपी दिस, ओके आई गो हियर, क्योंकि पूरा कॉपी हो जाएगा अगर मैं यहाँ से लूँगी, तो आई वॉन्ट दिस. और मैं चाहती हूँ कि पहले वो ए वाले पोजिशन पे ले एंड स्विच टू कॉस्ट्यूम बी लाइक दिस, तो आई वॉन्ट दिस फॉर 0.1 सेकेंड. अगेन आई वॉन्ट अ वेट, मोशन में जाना है मुझे, नहीं सॉरी अभी मुझे जाना है यहाँ पर कंट्रोल में, क्योंकि मुझे वेट का ऑप्शन कंट्रोल में मिलता है. सो आई सिंपली ड्रैग द कोड एंड विल ड्रॉप हियर. और मैं यहाँ पर टाइमिंग दे देती हूँ 0.5 सेकेंड में, ओके वन ही रखते हैं, दोनों का सेम रखते हैं, तो 0.1 सेकेंड हम ले लेते हैं एंड आई विल चेंज, सी हाउ इंटरेस्टिंग इट विल बी गोइंग. तो देखिए मैंने एक ही जगह में उसके दोनों इंस्ट्रक्शन फॉलो कर दिए हैं कि यहाँ से इसका देखो कैसे होगा जो हमने देखा था. तो इट इज रेडी नाउ, सो लेट्स सी. यस, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू हैपन. अगर मुझे चाहिए कि वो स्लो में हो तो आई कैन डू दैट रिपीट, मतलब मैं चाहती हूँ रिपीट 5 टाइम हो और स्लो में हो सेकेंड में, तो वी कैन टेक दैट वे ऑल्सो सिंपली. तो वॉट एवर यू वॉन्ट टू चेंज, देखिए पहले ही आपने देखा होगा कैसे सेकेंड में चेंज हुआ द टाइमिंग, यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते. दिस इज वॉट एग्जैक्ट द कोड जब आपको फ्लाइंग एनिमेशन बनाना है. सो वी आर डन, सो लेट्स मूव टू द अनदर प्रोजेक्ट्स.